सेकेंड टाइप ऑफ इंटरव्यू वो होता है जहाँ पे इंटरव्यूर आपसे क्वेश्चंस तो पूछता है पर वो क्वेश्चंस जो आप चाहते हैं कि वो आपसे पूछे वो वही क्वेश्चंस पूछते हैं कि आप चाहते हैं वो इस डायरेक्शन में जाए तो इंटरव्यूअर आपको उस डायरेक्शन में ले जाता है एंड दैट काइंड ऑफ इंटरव्यू इज नोन एज वेन यू आर ट्राइंग टू ड्राइव योर ओन इंटरव्यू एंड इन दिस वीडियो वी गो बी डिस्कसिंग ऑल अबाउट दैट सो द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू ड्राइव योर ओन इंटरव्यू इज़ स्टोरी टेलिंग दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये अप्लाई होगी मोस्टली आपकी एच आर में जैसे ही अगर आपको आ गया टेल मी अबाउट योर सेल्फ का क्वेश्चन क्या बात है आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है ना उस इंटरव्यूअर ने पूरा ड्राइव करने के लिए इंटरव्यू मतलब इससे इस बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल सकती है अपना खुद का इंटरव्यू ड्राइव करने के लिए बिकॉज टेल मी अबाउट योर सेल्फ बोलने के बाद जो आखिरी का सेंटेंस होता है उसमें आपको एक ओपन एंडेड सेंटेंस छोड़ना है अपने बारे में जो कि यूनिक है सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं हमेशा अपने टेल मी अबाउट योर सेल्फ के लास्ट के सेंटेंस में कहती हूँ कि वाइल पर्सिंग माई ग्रेजुएशन आई वॉज अ रेडियो जॉकी अब जैसे ही मैं वर्ड यूज़ करती हूँ रेडियो जॉकी तो बूम इंटरव्यू कि ओ माय गॉड रेडियो जॉकी इन द हाउस ओ माय गॉड तो वो फिर मुझसे उससे क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं कि ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ फिर रेडियो जॉकी छोड़ के तुम्हें यहाँ क्यों आना है ब्ला 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 और मैं तो वैसे भी चाह रही थी कि वो मुझसे एक क्वेश्चन पूछे क्योंकि मैं तो वेरी वेल प्रिपेयर हूँ मैंने वो चीज़ की है आई कैन आंसर एवरीथिंग अबाउट इट तो वही चीज़ आपको करनी है कि अगर आपकी कोई ऐसी यूनिक चीज है दैट यू नो कि अगर वो सामने वाले को हिट कर जाए तो उसके काउंटर क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे और बस फिर क्या है दिस इज हाउ यू ड्राइव योर ओन इंटरव्यू पहली चीज सेकेंड चीज़ स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि जब भी आपको एच आर क्वेश्चन आते हैं फॉर एग्जाम्पल आपको उनने पूछ लिया कि टेल मी योर स्ट्रेंथ्स तो आप अपने स्ट्रेंथ तो बताते हैं पर आपको उसके पीछे का रैशनल बताना पड़ता है वो जो रैशनल होता है वो एक सिंपल सा सेंटेंस या पैराग्राफ नहीं बोलना है वो रैशनल बेसिकली दे आर ट्राइंग टू नो यू सो यू शुड बी टेलिंग अ स्टोरी थ्रू योर एक्सपीरियंसेस कि हाँ मेरे साथ ये ये चीजें हुई थी और इसी की वजह से आई से कि दिस इज माय स्ट्रेंथ हमेशा जब भी स्ट्रेंथ का क्वेश्चन हो वीकनेस का क्वेश्चन है या जितने भी एच के नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं यू शुड ऑलवेज इट अप विद अ स्टोरी बिकॉज दैट टेल्स एन इंटरव्यू है कि आप सच बोल रहे हैं मूविंग फॉवर्ड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पॉजिटिव एटीट्यूड यू शूड बी सोल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन मतलब सपोज अगर वो स्ट्रेस इंटरव्यू चल रहे इंटरव्यूअर ने कह दिया कि भाई आपसे तो नहीं हो पाएगा आए हैं आपको तो कुछ नहीं आता है तो आप क्या कह सकते हैं sir yes at this point in time you might think that I would not be able to cope up with uh, IIM studies or you think that I don't know about this topic at this point in time but I believe that you know I'm someone who is always willing to learn things and that is why I know that I'll be able to cope up because I always learn things I'm willing to learn things I'm open to change I'm open to opinion simple positive approach एंड ऑल्सो दिस पॉइंट बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर स्ट्रेस इंटरव्यूज थर्ड थिंग ऑथेंटिसिटी अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार क्या होता है ना हम किसी और को प्रिटेंट करना चालू कर देते हैं वी डोंट बी आर सेल्फ बट वी ट्राई टू प्रिटेंट समविन एल्स तो बिकॉज ऑफ विच अगर किसी ने आपको हॉबीज पूछी आपने भाई जिंदगी में बुक्स नहीं पढ़ी है क्या चलो ठीक है एक हॉबी डेवलप करनी थी आपने सोचा चलो रीडिंग बुक्स बड़ा अच्छा लगता है बुक्स रीड करना बड़ी अच्छी चीज़ है तो मैं बोल देता हूँ कि मेरी रीडिंग इज़ एन हॉबी तो ऐसे करके आपने कह दिया बट आपने एक ही बुक पढ़ी है तो क्या लगता है आपको हॉबी वाले एक बुक पढ़ते हैं और क्या लगता है आपको आपको पैनलिस्ट नहीं पूछने वाला है कि आपकी लास्ट फाइव बुक्स जो रीड किए वो कौन कौन सी है उनसे आपने क्या सीखा उसको आप कैसे अपने लाइफ में किस तरीके से आप उसे कनेक्ट करते है? हैं बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं बट अगर वो आपकी हॉबी है ही नहीं आप फंस जाएंगे यहाँ पे सच में फंस जाएंगे और झूठ झूठ होता है सो बी योर सेल्फ बी ऑनेस्ट बी ऑथेंटिक आपकी हॉबी बहुत बहुत छोटी सी हो सकती है एज स्मॉल एज यू नो जस्ट राइटिंग डायरी एंट्री और जर्नलिंग एवरी डे और आई रिमेंबर समवन सेड इन इन एन इंटरव्यू कि मेरी हॉबी सोना है उस इंसान के पास uh, खुद का एक रीजन था एंड ही प्रूव्ड इट एंड ने मान लिया तो आपकी जो कोई भी हॉबी है आपको सच्चाई के साथ इसे बतानी है ठीक है नाउ द फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज इंथुजियाज्म मतलब थ्रू आउट द इंटरव्यू यू शुड बी शोइंग दैट यू आर समन वो रियली इंटरेस्टेड रियली पैशनेट एंड यू आर वेरी इंथुजियास्टिक टू गेट इन टू कॉलेज दैट यू आर गिविंग इंटरव्यू ऑफ एंड इट पुट्स इन अ गुड इम्प्रेशन इन फ्रंट ऑफ द पैनलिस्ट तो वैसे भी आप खुद सोचो अगर आपका एटीट्यूड बहुत डल है बहुत नेगेटिव है एंड यू नो हाँ ठीक है पूछ रहे हैं तो आंसर दे देता हूँ ये एटीट्यूड है तो ये एटीट्यूड के साथ तो हु वुड टेक इफ यू वर देयर इन द पैनलिस्ट पोजिशन इन देयर शूज क्या आप ऐसे कैंडिडेट को लेते जो सच में इंटरेस्टेड साउंड कर ही नहीं रहा है हु इज़ नॉट इंथूजियाटिक हु इज़ नॉट पैशनेट टू कम इन द कॉलेज ऑब्वियसली नॉट राइट तो बस पुट योर सेल्फ इन द शूज ऑफ द इंटरव्यूअर एंड देन थिंक अबाउट थिंग्स ठीक है कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ बॉडी लैंग्वेज कुछ अन या नॉन वर्बल जेस्टर्स होते हैं विच बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरव्यूअर ने किसी टॉपिक पे सपोज अगर आप uh, किसी स्टेट के हैं फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश के और वो इंटरव्यूअर भी मध्य प्रदेश का है नाउ ही इज़ कनेक्टिंग विद यू एंड दैट इज़ वाई यू गाई स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट समथिंग विच हैपन्स So in that situation, you should always maintain a smile and then you should be like, hmm, hmm, you should be nodding. And these are some, your, your body language should not be like this, rather it should be like this. You know? These are very, very small, but very important non-verbal communications, which uh, puts a positive impression of yours in front of the interviewer. And eventually that becomes very, very important for you. Okay alright with this we come to the end of this video and i hope you all find uh, this video really really helpful and if you did you know what to do hit the like button and comment down below about how do you like this video until next time bye bye and take care of yourself